जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता रहता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब होता है। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक किसी को ये मत बताओ कि आप क्या करते हो। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। गलतियां, भूल और ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। मोहब्बत की भी अपनी ही बचकानी जिद होती है, चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुला कर गया हो। सोचना बड़ी बात नहीं होती, करना बड़ी बात होती है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। या खुदा, तू बेशक मुझे अकेले रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो हमारी जिंदगी में आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जिस इंसान को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो आज अगर रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। हम जब भी किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो यकीन मानिए तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने ये भी नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है, वहीं उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। ये वो दौर है जनाब, जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पे लुट जाना तो ही ने वफा होती है। जिंदगी में खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। ना नफरत है उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना ही कोई शिकायत बची है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से ही निकल जाते हैं। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब से, लोगों ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। जितना सच्चा इश्क होगा, भरोसा करो दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती हैं वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। चेहरा साफ दिल में दाग, मुंह पर आप दिल में सांप, बस यही दुनिया का सच है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और ये विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा।
अपनी झोंपड़ी पर राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना बेहतर है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती हैं। संभल कर चल ए नादान, ये इंसानों की बस्ती है, अरे ये तो रब को भी अजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। अगर कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। शब्द का भी एक अपना ही स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर ही खत्म होती है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध में जलना मत, अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद ही बनिए, क्योंकि इस युग में कोई श्री कृष्ण नहीं मिलेगा। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। ये कलयुग है जनाब, जहां बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा भी और कोई नहीं। जिंदगी में सिर्फ आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग अपने आप सिखा देंगे। कभी किसी के साथ जबरदस्ती मत करो कि वो तुम्हें याद करे, कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत, बाकी सब पाखंड और धंधा है।